अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एंड यहां पर हाजिर है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जो है चेक कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को कि ये जो डिवाइस है ये रिपेयर्ड या फिर ओपन तो नहीं है। ऐसा होता है ना कि आजकल मार्केट में लोग जो है डिवाइसेस को परचेज करते हैं और वो ये चीज़ चेक नहीं करते कि आए ये डिवाइसेस कहीं रिपेयर तो नहीं है, या फिर ये डिवाइस खुली तो नहीं है, या फिर इसका पैनल तो चेंज नहीं है, या फिर इसके अंदर किसी किस्म का कोई काम तो नहीं किया गया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका जो डिवाइस है वो खुला हुआ है। आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और आपको ये बात पता होगी कि इस टाइम पर जो डिवाइसेस हैं इस टाइम पर टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो, रियलमी, हुआवे, सैमसंग कोई भी डिवाइस है, आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस जो चल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, जैसा कि वीवो का Y11 है, आप चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों फैक्ट नंबर 1 ये है कि आपने क्या चीज़ इसमें चेक करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले जो है आपने अपने डिवाइस का जो है बैक चेक करना है। बैक को चेक करने के बाद दोस्तों आप ये जज कर सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो रिपेयर्ड है या फिर ओपन है। बैक पर दोस्तों जब भी कोई डिवाइस ओपन होता है तो आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उनके जो बैक है या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर ग्लास के होते हैं, और यहाँ पर नीचे गम लगी होती है। और बैक से जब भी, और ज्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो बैक से ओपन होते हैं और बाज डिवाइसेस फ्रंट से ओपन होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो डिवाइसेस दोस्तों बैक से ओपन होते हैं उनको ओपन करने के लिए जो है हीट गन का इस्तेमाल किया जाता है। और हीट गन से ये होता है कि आप अपने जो आपके डिवाइस का बैक है वो बड़ी आसानी से ऊपर निकल जाता है। अब होता यह है कि दोस्तों जब उस बैग को दोबारा लगाया जाता है तो जो कंपनी गम लगाती है वो अपने एक एडजस्टमेंट सिस्टम के हिसाब से लगाती है, और जो लोकल बंदा जब गम लगाता है वो उसमें गम थोपता है और जब उसको दोबारा ऊपर से पैक करता है तो वो गम जो है वो साइडों से बाहर आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने डिवाइस का जो है बैग चेक करना है, कहीं साइडों से गम तो बाहर नहीं आ रही। अगर छोटी सी गम भी बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो बैग से खुला हुआ है। फैक्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, तो फैक्ट नंबर 2 ये है कि आपने अपने डिवाइस का फ्रंट देखना है। फ्रंट में दोस्तों फ्रंट में भी यही चीज़ देखनी है, बाज डिवाइसेज जो है बैक से ओपन होते हैं और बाज डिवाइसेज जो है वो फ्रंट से ओपन होते हैं। तो फ्रंट पर दोस्तों क्या चीज़ आपने चेक करनी है, आपने अपने डिवाइसेज के जो है बिल्कुल कॉर्नर को देखना है, क्योंकि फ्रंट पर भी जो है हीट गन का इस्तेमाल किया जाता है और हीट गन के बाद यहाँ पर जो है गम लगाई जाती है, क्योंकि ये गम से फिटेड होते हैं और जब कंपनी की जो गम है वो कलर के हिसाब से लगाती है। अगर आपके डिवाइस का ब्लैक कलर है तो वो ब्लैक गम यूज़ करेगा, अगर आपके डिवाइस का जो है रेड कलर है तो वो इस तरह के यानी कि ट्रांसपेरेंट गम जो है वो यूज़ करेगा। उससे होता ही है कि कंपनी ने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से इतनी गम लगाता है कि जो कि उसमें फिट हो जाए, लेकिन जब नॉर्मल बंदा उसमें गम लगाता है तो वो साइडों से बाहर आ जाती है। और इसकी मिसाल मैं आपको जो है स्क्रीन पर दे भी रहा हूँ, ये स्मार्टफोन है जिसका पैनल हमने जो है खुद ही लगाया था और आप देख रहे हैं कि साइडों से जो गम है वो नजर आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों फैक्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं कि आपका जो डिवाइस है जब उसका पैनल वगैरह टूट जाता है या फिर उसको रिपेयर किया जाता है तो जो कंपनी का पैनल है वो बिल्कुल कॉर्नर से जो है बिल्कुल चिपका हुआ होता है, और जो ये पैनल होगा जो चेंज होगा उसमें दोस्तों हमेशा फर्क होगा, क्योंकि ये जो पैनल है जब आप अपने डिवाइस पर फिट करेंगे और आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है छोटा सा आपको बीच में गैप देखने को मिलेगा। अब जो ओरिजिनल डिवाइसेस हैं जब इन डिवाइसेस को जो है मतलब कंपनी जो है हीट करके उसको बिल्कुल चिपका देती है ताकि साइडों से बिल्कुल गैप भी जो है वो नजर ना आए। अब यहाँ पर दोस्तों हम फैक्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो फैक्ट नंबर 4 है दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और आप बड़ी आसानी से इससे जो है अपने डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं। अब ये है कि आपके जो डिवाइस का सिम ट्रे है उसको आपने बाहर निकाल देना है, और बाहर निकालने के बाद दोस्तों आपने उसमें जो है फूंक मारनी है। अगर आपके डिवाइस में से फूंक जो है निकलती है साइडों से बाहर तो इसका ये मतलब है कि आपका डिवाइस जो है वो खुला हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आजकल जितने भी डिवाइसेज आते हैं अगर आपका डिवाइस पानी में गिर जाता है तो एटलीस्ट कम से कम जो है 1 मिनट तक आपका डिवाइस जो है वो सर्वाइव कर पाता है, जो कि वाटरप्रूफ नहीं होता। जो वाटरप्रूफ होता है वो आधा घंटा, फिर उनकी अपनी लिमिट्स होती हैं। और कोई भी डिवाइस है उसकी वाटरप्रूफ की जो है सील्स होती हैं। अब आप फूंक मारेंगे, हवा साइडों से बाहर आ रही है, इसका मतलब है डिवाइस खुला हुआ है, क्योंकि उसकी सील जो है वाटरप्रूफ की सील वो टूट चुकी है। इसी वजह से उससे जो है हवा क्रॉस हो रही है, यानी कि आपके डिवाइस को जो है एक दफा ओपन किया गया।
अब यहाँ पर दोस्तों हम फैक्ट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। तो फैक्ट नंबर 5 जो है वो इतना ही इजी है, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने डिवाइस में जो है ऑनलाइन वारंटी हमें प्रोवाइड करती हैं, और जब भी उनके डिवाइसेस को जो है रिपेयर किया जाता है, डिवाइस है उसके सॉफ्टवेयर में उसकी अपनी ऐप होगी जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ होता है कि आपका जो डिवाइस है वो सर्विस हो चुका है, यानी कि आपका डिवाइस जो है वो रिपेयर हो चुका है या फिर आपका डिवाइस जो है एक दफा वारंटी के लिए क्लेम हो चुका है। तो ये चीजें थी दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको 5-6 ऐसे फैक्ट्स बता सकूं जिससे आप चेक कर सकें कि आपका जो डिवाइस है वो रिपेयर्ड या ओपन तो नहीं है। यहाँ पर जब फैक्ट नंबर 4 की तरफ आपने दोबारा गौर करना है कि फैक्ट नंबर 4 मैंने जो आपको बताया कि आप भूख मारेंगे और साइडों से वापस निकलेगी, ये जो है ये चीज आपने हर स्मार्टफोन में सबसे पहले ट्राई करनी है। ये इस वजह से दोस्तों आपने ट्राई करनी है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी डिवाइस को चेक करने का। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये डिवाइस खुला है या बंद है या ओपन हुआ भी है या नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों मेरी कोशिश थी कि इसकी जो वीडियो है वो आप तक बना के पहुंचाई जाए, और आई होप मेरी जो आज की वीडियो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।